जी वापस आते हमने गुफ्तगू की तरफ। वो दगा लिखते रहे और हम दुआ समझते रहे, वो दुआ लिखते रहे और हम दगा समझते रहे। कहीं ना कहीं हमारे लीडर भी शायद कुछ और करना चाहते हैं अवाम के लिए, अवाम कुछ और समझती है, लेकिन बाज़ुकात वो कुछ और कर जाते हैं जो अवाम नहीं एक्सपेक्ट कर रही होती है उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर आपसे सिर्फ ये जानना है कि एहतसाब के जिस अमल को अब शुरू किया गया है, क्या पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज उससे मुतमईन है? जी सर देखें, जो एहतसाब का अमल जो शुरू हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौकफ रहा है कि एहतसाब जो है वो डेक्रोसी बोर्ड होना चाहिए और सबके लिए बराबरी की बुनियाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़ें और उनको कहें कि अपने आप को बेगुनाह साबित करें। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो लोग शायद इतने पकड़े भी नहीं गए। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो खिलाफ जो केसेस थे 6 वो भी बल्कि खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो है मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की पार्टी जो है वो इस एहतसाब में है। जी जी वो मुगल आजम साहब पहली दफा एक केस में फंस गए हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़े केसेस आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में सफर किया है। आप मुझे बताएं कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब को जो है 11 साल जेल में रखे, उसके बाद वो बरी हो गए, तो उससे 11 साल कौन लौटा के देगा? अच्छा। कौन सी अदालत को लौटा के देगी? अभी आप देखें जो पीपल्स पार्टी के जो लोगों को पकड़ा गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम तो अभी भी ECL में लगे हुए हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुए। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पे केस भी साबित हुआ है, उसको सर्टिफाइड चोर भी डिक्लेयर कर लिया गया है, उसके बाद उनका नाम ECL में नहीं है। उनके दामाद ओपनली फिर रहे हैं, उनकी बेटी ओपनली फिर रही है, उनके जो है अगर आप बाकी नकवी की रिपोर्ट देखें उनके भाई के ऊपर क्या क्या वो हुए हैं, उसके बावजूद अगर ये पीपल्स पार्टी के लोग होते अभी तक गिरफ्तार भी हो चुके होते और उनका नाम ECL में भी आया हुआ था। ठीक है। तो आप अच्छा। ये हम पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों का एहतसाब जो है वो बराबरी की बुनियाद पे हो, ऐसे ना हो कि बाकियों के लिए और कानून हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और कानून। फैसल करीम साहब आपने क्या 11 साल जरदारी साहब ने जेल में काटे वो कौन वापस देगा, लेकिन उस 11 साल के बाद जब वापस आए तो उन्होंने 5 साल का इक्तदार भी लिया है। तो मतलब है कि इक्तदार तो अवाम की अदालत से आया है ना, उनको MPA MNAs ने वोट दिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसका क्या मतलब है कि 11 साल उन्होंने किए तो उसको किसी ने बिठा के कहा कि आपकी 11 साल के बदले में आपको 5 साल सदारत दे रहे हैं? अच्छा, कैसे तो नहीं मिला हमें। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन है, उनके वजीर आजम आए हैं, उनके प्रेसिडेंट बने हैं, इस तरीके से नहीं दिया गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो केसेस थे किधर गए वो केसेस? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो लीडरों के ऊपर केसेस बने तो किनको, किसका अभी तक साबित करके आपने उनको वो किया? लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब के जो है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक आला अदलिया ने जो है उनको करार दिया है कि वो वजीर आजम नहीं रह सकते, वो किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, तो सबके सामने वो फैसला। ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? अच्छा हमारे साथ अभी काकर साहब, उस्मान खान काकर साहब भी मौजूद प्रोग्राम में है। ये फरमाइए कि वो कहते हैं कि जो एहतसाब है सबसे पहले जुडिशरी का होना चाहिए, तो क्या ये हायरार्की ठीक है कि सबसे पहले जुडिशरी का होना चाहिए एहतसाब? देखें एहतसाब सबका होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, जुडिशरी का भी होना चाहिए, बाकी इदारे चाहे वो फौज के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जो भी है, सबके होने चाहिए। सब इंसान है, ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही करप्ट हो सकते हैं, बाकी इदारे भी करप्शन कर सकते हैं। अक्रॉस द बोर्ड सबको होना चाहिए, ये बात नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटिशियन भी पकड़ के एहतसाब करें। सबसे पहले किसका करना चाहिए? सबसे पहले काकर साहब कहते हैं सबसे पहले जुडिशरी का कीजिए, उसके बाद लास्ट में वो प्रायोरिटी में पॉलिटिशियंस को रखते हैं। मैं तो एज ए पॉलिटिशियन ये कहूंगा सबसे पहले अपने आप को पेश करेंगे, उसके बाद हम बाकी इदारों कहेंगे उनका करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे पहले बाकी इदारों का पहले करें उसके बाद हमारा करें, हमारा तो आप कर रहे हैं तो बाकी इदारों के भी जरा खोल के देखें ना, जरा पता करें। आप जरा आर्टिकल 6 जिसके ऊपर लगाया गया है, जिस जनरल के ऊपर, मुशर्रफ के ऊपर, उसको भी तो रेड वॉरंट बिल्कुल करके उनको तो वापस ले जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। लेकिन अच्छा दूसरी तरफ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखी गई है। लास्ट टाइम जरदारी साहब की जो स्पीचेस थी, जो जलसे से खिताब थे, उनको अगर हम आज के उनके खिताब जो जलसे से हैं उनसे कंपेरिजन करते हैं तो बड़ा वाज़ह फर्क है, काफी फ्लेक्सीबिलिटी नजर आती है। ये फ्लेक्सीबिलिटी की वजह क्या है और क्या ये पॉजिटिविटी है उसके अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी साहब की बात क्या, आपने क्या फ्लेक्सिबिलिटी उनकी स्पीचेस में, क्या किसके लिए उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार की है? कुछ ऐसे स्पीचेस जो जलसों से खिताब थे जब बाहर वो तशरीफ ले गए, उस वक्त शायद इदारों से, चाहे वो जुडिशरी के इदारे हों या एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने PMLN को जो है उनको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है लाहौर में कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनके खिलाफ बाकिर नकवी की रिपोर्ट जिसमें आ गए, जिसमें मॉडल के शोदा में जो है उनके उसमें जो है वो मुलविस हैं,
उसमें उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन करें, वो जो है इस अहदे पे नहीं रह सकते। उन्होंने जो है वो चैलेंज किया हुआ है अपना पीएमएलएन को, ये तो डेफिनेटली ये चीज होगी, ये तो हमने चैलेंज अभी भी किया है, पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हमारे पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं, पोलिटिकल अपोनेंट से आप क्या उम्मीद रखेंगे, उनके साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, उसी जुडिशरी ने जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बालादस्ती सबसे ऊपर होनी चाहिए, अगर वो एक शख्स को नाअहल करार देती है और उसके बाद फिर पार्टी उसको सदारत दे देती है, तो ये क्या बात पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे ठीक है, मुनासिब है? हालांकि तौर पे तो डेफिनेटली इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्होंने हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि वो बिल जो है वो पास किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया था कि कोई भी नाअहल शख्स है वो पार्टी का जो है वो सजा नहीं रह सकते, लेकिन फर्क नहीं पड़ा कोई, फैसल साहब, फैसल करीम साहब, फर्क कोई नहीं पड़ा उनको? फर्क तो ये है कि उनके पास मेजोरिटी है, अब मेजोरिटी तो हम उनकी नहीं ले, हमने कोशिश की उस पार्टी ने कोशिश की, अपोजिशन को वोट किया, तो उनके पास इस वक्त जो है पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, आज उसका वजीर आजम भी बैठा हुआ है, उसी मेजोरिटी की वजह से बैठा हुआ है, तो लेफ्ट के पास मेजोरिटी है, तो वो उन्होंने उसको पास किया है, अदर जो है उनको हमारे बिल को उसको डिफीट किया है, तो लेफ्ट उनके पास है, तो हम तो लड़ते रहेंगे, आखिर दफ्तर लड़ेंगे, हम फिर भी करेंगे, फिर भी करेंगे। सेनेट के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, कहां कहां तक उसके बारे में उम्मीद रखी जाए? पॉलिटिक्स जो है वो टुडे अफेयर है, आप ये पॉलिटिक्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल क्या होता है, तो सेनेट जो है वो मार्च में होने, अब देखते हैं कि मार्च तक जो है ये हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं चाहता कि इस हुकूमत में इतनी कॉम्पिटेंसी है कि ये हुकूमत चला सकें, आपके सामने है, मार्च में इलेक्शन होने में टाइम आएगा तो सेनेट के इलेक्शन में भी डिस्कशन करेंगे। तो मार्च कोई बहुत दूर नहीं है, दो महीने की बात है, इलेक्शन मार्च में हो या मई में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मियाद तो पूरी हो गई है इसका मतलब है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के बगैर क्या जनरल इलेक्शन तक जाने का कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए सेनेट के इलेक्शन तो पहले मार्च में और जनरल इलेक्शन जो है वो अगस्त में होने हैं, तो अगर अर्ली इलेक्शन होने हैं और सेनेट से पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो और बात है, डेफिनेटली उसके जनरल इलेक्शन पहले हो जाएंगे, अर्ली इलेक्शन की भी हो सकते हैं, और अगर वैसे स्मूथली जाएंगे तो फिर अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सेनेट के इलेक्शन में जो है हम सोच सकते हैं कि वो होंगे, क्योंकि पीएमएलएन की मेजोरिटी की तरफ अगर देखते हैं तो सेनेट के इलेक्शन में शायद कहीं ना कहीं पलरा उनकी तरफ चला जाता है। ये देखो कि अगर एमपीएस हैं और उनके अगर सेनेटर बन जाते हैं तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने सेनेटर बना सकें, और हमारी कोशिश होगी कि हमारे मेंबर जो है सेनेट के जो है हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि 70 इयर्स की जो हिस्ट्री देखी गई है पाकिस्तान की, उसमें शायद कभी ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीएमओ ने, लेकिन इस रवायत को अब कैसे देखते हैं, ये एक अच्छी जमहूरी रवायत है? अच्छी रवायत है, माजी में जो है ज्वाइंट सेशन से आए हैं, डीजीएमओ भी आए हैं, डीएसआई भी आए हैं, ना सर पार्लियामेंट के सामने ब्रीफिंग कभी नहीं हुई है। देखिए उन्होंने उसामा बिन लादेन का जो ओबीएल जो ऑपरेशन हुआ था उस पर भी उन्होंने आके हाउस को जो है वो किया था, और स्वात मिशन पे भी जो है वो पहले जो है पार्लियामेंट में वो आए हैं, तो पहली दफा वो सेनेट के हाउस में आए हैं, एक अच्छी बात है, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के वो है, तो डेफिनेटली उन्होंने सेनेट को जो है ऑन बोर्ड करना था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने आया था, उन्होंने ब्रीफ किया, अच्छी बात है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई, मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी बात नहीं जिसको कह सकते हैं, देखिए उनका भी एक फर्ज बनता है कि आके जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको ब्रीफ करें। हाँ जी, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये नॉर्मल या शायद ऑर्डिनरी बात इसलिए नहीं लग रही है कि 70 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसको अगर दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो जमहूरी रवायात को इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्ट्रेंथन करने का एक इशारा भी है। देखें डेफिनेटली जमहूरियत है इस मुल्क में, और पार्लियामेंट किसी भी शख्स को जो है वो पार्लियामेंट बुला के उनसे ब्रीफिंग ले सकती है, और वो आए हैं, माजी में नहीं हुआ है पार्लियामेंट के जो सेशन में, माजी में आए हैं, लेकिन अगर वो सेनेट के हाउस में आए हैं तो एक अच्छी बात है, जमहूरी प्रोसेस के लिए एक अच्छी बात है, और उन्होंने ब्रीफ किया, इसमें ऐसी कोई अब्दाबाद बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ प्रोग्राम में रहने के लिए। बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान काकड़ साहब, सेनेटर हैं पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से। सर सवाल आपके पास एक छोड़ के गए थे हम कि अगर ये गलती थी तो गलती की तसहीह क्यों नहीं की गई जब तक के पूरी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं खराब थी। बर वक्त हुआ उसका इस्लाह हुआ, बर वक्त हुआ। हाँ,
सर मैं आप छोटी सी ब्रीफिंग आपको दे दूं, आज 10 दिन तक सर यहां पर बैठे रहे 350 लोग ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में, उनके पास तलाल चौधरी आते हैं, साद रफीक आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, लेकिन तसी नहीं होती है। जब सर 4,000, 6,000, 8,000 बंदा जमा होता है तसी तब होती नो, है। नो नो नो, तसी जो है बिल्कुल बरवक्त हुआ, सही इट हैज हैपेंड सर, इट हैज हैपेंड सही टाइम पे हुआ, सही टाइम पे हुआ। अभी खाम खा बाज लोग जो है इसको जो है वो बनाते हैं इश्यू जो है वो तो सही है, लेकिन ये चीज हुई है सर, ये तसी के लिए उन्होंने 22 दिन लिए, नो नो वो पहले भी कर सकते, तसी उसी दिन हुआ बिल्कुल, पार्टियों की तरफ से हुआ, सेनेट में हुआ, वहाँ पर सर लफ्ज डिक्लेरेशन की तसी हुई है, लेकिन कानून जो 7B 7C खत्म हुआ है ना सर, उसकी 21 दिन बाद तसी हुई। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसी बस वो खाम खा बाज लोग जो है इसके इशू को जो है नान इशू। अच्छा ये भी खाम खा था? नहीं, इस वजह से सारे पार्टियों ने कहा कि बस हम इसकी इसलाह करेंगे, इसलाह भी कर ले, पार्लियामेंट का एक तरीकेकार भी तो है, एक तरीकेकार तो भी है, सब वहां पर स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलवाया, सारे पार्टियों ने इत्तेफाक किया, फिर कौमी असेंबली में, फिर सेनेट में जो है मौजू खत्म हुआ। अभी मैं एक मौजू जिस रोज तसी हुई उस रोज लोग उठ गए, लेकिन उस चीज को 21 दिन लग गए। जिस रोज तसी हुई उस रोज लोग उठ गए, लेकिन उस चीज को 21 दिन लगे, क्यों सर? नहीं नहीं, 21 घंटों में सर दुश्मन हमारे सर पे पहुंच जाता है। लोगों के ये मुतालबा था, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, ये वो कह रहे थे, आइंदा के इलेक्शन के लिए ग्राउंड बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सबसे पहला मुतालबा था 7B 7C के कानून को वापस करें, जो कि नहीं माना गया था। बात ये है सर, रिकॉर्ड पे तमाम चीजें आज भी मौजूद है। बात ये है कि वो लोग ये चाहते थे कि पार्लियामेंट खत्म हो। अच्छा, पार्लियामेंट खत्म होना अगर उनका मुतालबा होता तो पार्लियामेंट खत्म हो? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से तो नहीं कर सकते। वो लोग कौन सर? वो लोग दूसरे कवर में जो धरने वाले थे, वो दूसरे के स्लोगन एक था, काम दूसरा था, काम दूसरा था, वो पार्लियामेंट को खत्म करना चाहते अच्छा, थे। काम दूसरा था, लेकिन उसके बाद सर फिर हम देखते हैं कि ब्रीफिंग देने के लिए खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जी सिचुएशन ये है, साबित करते हैं कि जी हम चाहते हैं कि सब कुछ पॉलिटिकली चले। बात यह है कि ये सारा काम जो है ये मुंतखब हुकूमत का है। मुंतखब हुकूमत क्या चाहती है सर? अब मुंतखब हुकूमत फिर चाहती है मुंतखब होना। हाँ, मुंतखब हुकूमत जो है उसका काम है कि जो भी मुल्क में गलती हो, जो भी सूरत हाल हो, उसकी जिम्मेवारी उसको ठीक करना, और पार्लियामेंट को अपने आप को जवाब दे समझना, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। पार्लियामेंट का काम है कि पॉलिसी बनाकर जो है गवर्नमेंट को जो है उस पर जो है मन वन काम करना चाहिए। ठीक है, एक असूल है सारी दुनिया में। मुंतखिब हुकूमत यहाँ पे तो मुश्किल ये है कि जो पार्लियामेंट जो पॉलिसी बनाते हैं, हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करवाते हैं बाज जगहों पे, और अदारे भी बाज अदारे भी जो है उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, तो लिहाजा अमल दरामद पार्लियामेंट की हर लफ्ज पे जो है करना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, मुंतखिब हुकूमत की जब बात कर रहे तो मुंतखिब हुकूमत इस वक्त क्या चाह रही है? उनका क्या इक्तदार लेने के लिए बहुत ज्यादा आगे निकल जाना, या जो पैसा है उसको इक्तदार के हसूल का जरिया बना देना, ये रवायत मुंतखिब हुकूमत जो है कायम करती जा रही है? मसला यह है इक्तदार जो है वो खिदमत के लिए होना चाहिए, पैसे को लूटने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यानी इक्तदार को आवाम की खिदमत के लिए। ठीक है, सारी दुनिया में ये रिवाज है, यहाँ पे जो है 70 साल से जो है ठीक है बाज मुख्तलिफ शक्लों में जो है वो लूटने के लिए करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलोचिस्तान में पश्तून बेल्ट है, बलोच बेल्ट है, इन दोनों के वहाँ पे स्टेक्स भी हैं, और ऑब्वियसली जो चीज़ मसाइल हैं वो भी सामने आते हैं। मसाइल की जो असल वजह अब वहाँ नजर आती है, अब सर हम पीछे हिस्ट्री में नहीं जा रहे, अब जब सिचुएशन बेहतर हो रही है, अब सबसे ज्यादा मसला कहाँ पर है? क्या ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं है? कौन लोग जो मसाइल क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन उनको संभालते नहीं है, या सबसे पहले मीडिया पे आ जाते हैं? क्या मीडिया अवेयर नहीं है कि वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है? मसला ये है कि हमारे सूबे को जो पश्तून बलोच शरीक सूबा है जिसका नाम बलूचिस्तान रखा गया है, वहां पर 70 साल से महरूमी है। अच्छा, मरकज ने फिर खासकर पंजाब के जो एस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिशियंस हैं
اور اس کی جو بیوروکریسی ہے 70 سال سے جو ہے, اور ماشاء اللہ حکومتوں نے ہمیں علم تعلیم سے محروم رکھا, ہمیں معاشی ترقی سے محروم رکھا, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے صنعت ہو, چاہے مائننگ ہو, ہمیں تجارت سے جو ہے محروم رکھا, ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے. ہماری دولت, ہمارے خزانوں کو جو ہے بے دریغ لوٹا گیا ہے, کیا ہے 70 سال میں جو ہے, جس کے وجہ میں سے جو ہے ابھی ہمارے صوبے میں پشتون بلوچ عوام جو ہیں وہ 60% لوگ جو ہیں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 30% ایسے لوگ ہیں جس کا ڈیلی $1 اس کی آمدنی ہے, یعنی 105 روپے, 110 روپے. سردار اپنے ہاری کو کیوں نہیں پڑھنے کے لیے کہیں باہر بڑی یونیورسٹی میں بھیجتا؟ مسئلہ ہے کہ بعض نواب, بعض سردار, بعض ملک, وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں بعض. اچھا, ہاں جو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان سرداروں کو, ان ملکوں کو, ان خانوں کو, نوابوں کو جو ہیں پروٹیکشن جو ہیں بعض کو جو ہیں وہ اسٹیٹ ادارے دے رہے ہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں جو نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. کاکر صاحب, آج کے پروگرام کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اس گفتگو کو آگے تک بھی لے کے چلیں گے ہم. جی میرے داستان گو, کچھ داستان کہنا ایسی کہنا کہ سچ عیاں ہو. اب کی بار جو بھی داستان لکھے وہ ایسے لکھے کہ سچ عیاں ہونا چاہیے, وہ میڈیا ہو یا پولیٹیشنز ہو یا جوڈیشری ہو یا ادارے ہوں, کیونکہ 70 سال بہت ہوتے ہیں ایک تاریخ کو شروع کرنے میں, ایک ریاست کو مرتب کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں. 70 سال میں جہاں بہت سی چیزیں دیکھی اور اس میں ہم نے بہت کچھ کھویا, تو ان کھونے سے شاید اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم بہت کچھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے دیکھنے پڑیں گے گراؤنڈ ریئلٹیز میں کہ ہم کتنے پانی میں, ہمارے وہ لوگ جو پارلیمنٹ کی چھت کے تلے یا انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں. پروسیس کسی کو یاد نہیں رہتا, رزلٹس یاد رہتے ہیں, اور اب عوام کو رزلٹس یاد رکھنے ہوں گے. آج کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.